नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस एफसी गोवा का फुल मैच प्रीव्यू के बारे में। 1 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच होने वाला है एफसी गोवा के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का होम ग्राउंड इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम पर। तो इस मैच का किक ऑफ शुरू होने वाला है नवंबर का 1 तारीख को शाम 7:30 बजे से, जिसका लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को मिलेगा हॉटस्टार, जियो टीवी और स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर। तो चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मैच नंबर 13 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस एफसी गोवा का मैच प्रीव्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखा जाए तो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक आईएसएल में टोटल 10 मैचेस खेला गया है, जिसमें एफसी गोवा 4 मैच में जीत हासिल किया, तो वही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सिर्फ 2 ही मैच में जीत हासिल करने में कामयाब रहे और 4 मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के लिहाज पर अगर देखा जाए तो इस मैच में एफसी गोवा का पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी इस बार बहुत ही खतरनाक टीम है और वो इस मैच के अंदर एफसी गोवा को बहुत ही करारा फाइट दे सकते हैं। तो वही अगर दूसरे तरफ दोनों टीमों को कंपेयर करके देखा जाए तो दोनों ही टीमों के पास बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ साथ बहुत सारा यंग और टैलेंटेड खिलाड़ी भी मौजूद है। जहां एक तरफ एफसी गोवा के डिफेंसिव लाइन पर मंदार राव देसाई, कार्लोस पेना, सेरिटन फर्नांडेज और मोर्तादा फॉल जैसे खिलाड़ी मौजूद है, तो वही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डिफेंसिव लाइन पर राकेश प्रधान, निमदोरजी तमांग, रेगान सिंह और काई हेरिंग्स जैसे एक्सपीरियंस डिफेंडर मौजूद है। और अगर अटैकिंग लाइनअप के बारे में बात की जाए तो एफसी गोवा के अटैकिंग लाइनअप पर लेन डोंगेल, ब्रैंडन फर्नांडेज, मनबीर सिंह और फेरन कोरोमिनस जैसे अटैकर्स मौजूद है। तो वही दूसरे तरफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का अटैकिंग लाइनअप पर पानाजियाटिस, रिदिम तलांग, मार्टिन सबिस और आसामोआ जियान जैसे अटैकर्स मौजूद है। तो दोनों ही टीम बराबर बहुत ही अच्छा टीम है और बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स इन दोनों टीमों के अंदर शामिल है। उसके बाद अगर बात की जाए दोनों टीमों का प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं होम टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्लेइंग 11 के बारे में। तो पिछले मैच में ओडिशा एफसी के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल करने के बाद रॉबर्ट जॉनी शायद विनिंग टीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे। तो इस मैच में कुछ ऐसा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्लेइंग 11। गोल में शुभाशीष रॉय चौधरी, डिफेंस में राकेश प्रधान, काई हेरिंग्स, रेगान सिंह और निमदोरजी तमांग या फिर वेने भेज, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद मिडफील्ड में कैप्टन जोसे लेडू के साथ मिलन सिंह, अटैकिंग लाइनअप पर रिदिम तलांग, मार्टिन सबिस और पानाजियाटिस, और एकदम सामने स्ट्राइकर्स के रोल पर होंगे आसामोआ जियान। और अगर दूसरी तरफ एफसी गोवा का प्लेइंग 11 देखा जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है एफसी गोवा का प्लेइंग 11। गोल में मोहम्मद नवाज, उसके बाद डिफेंस में कैप्टन मंदार राव देसाई, कार्लोस पेना, मोर्तादा फॉल और सेरिटन फर्नांडेज, मिडफील्ड में लेनी रोड्रिगेस और अहमद जुओ, और अटैकिंग लाइनअप पर होंगे ब्रैंडन फर्नांडेज, मनबीर सिंह, सेमिलेन डोंगेल और स्ट्राइकर्स के रोल पर होंगे फेरन कोरोमिनस। इसके अलावा दोस्तों, हुगो बुमस और एडू बेडिया जैसे खिलाड़ी अगर इस मैच में अवेलेबल रहता है तो ये दोनों खिलाड़ी भी स्टार्टिंग 11 में आ सकते हैं। और अगर प्लेयर वॉच आउट फॉर दिस मैच के बारे में बात की जाए तो इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से मार्टिन सबिस और आसामोआ जियान के ऊपर नजरें रहेंगे, तो वही दूसरी तरफ एफसी गोवा के तरफ से सेमिलेन डोंगेल और फेरन कोरोमिनस के ऊपर रहेंगे कड़ी नजरें। और अगर बात की जाए विनिंग चांसेस के बारे में तो एफसी गोवा का विनिंग चांसेस रहने वाला है 45%, तो वही दूसरे तरफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का विनिंग चांसेस रहने वाला है 55%, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी खेलने वाले हैं अपने होम ग्राउंड पर और वो भी हाईलैंडर्स ब्रिगेड के सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।